एक अवार्ड का बहुत मायने रखता था हमें, तो एक अवार्ड हमें एक हौसला देता था कि हमको और बेटर काम करना है, इसके नेक्स्ट अवार्ड मुझे लेना ही है, तो उसके लिए और मेहनत करनी है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये आजकल नहीं है। तो उस समय काफ़ी सारे गीत गाया करते थे, जैसे एक गाना मुझे याद है, सुभाष घाई जी का फिल्म था परदेस करके, एंड नदीम सेवन को पहला उन्होंने साइन किया था। तो सुभाष जी इज़ अ म्यूजिकल पर्सन, बहुत ही म्यूजिकल मैन है, और हमें याद है कि नदीम ने बहुत डरा हुआ था, नदीम और श्रवण दोनों ही, उन लोगों ने गाना बनाया और उन्होंने मेरे को आके बोला कि देख टाइगर, मेरे को टाइगर बोलते थे, तो देख टाइगर, हम लोगों को फर्स्ट टाइम सुभाष जी का गाना मिला, तू जरा अपना दिमाग ठीक रखना यार, तू गर्म नहीं होना, जितने बार बोलेगा गाना, जितने बार तेरे को गवाएगा गा लेना, सब कुछ कर लेना तू, लेकिन कुछ ना नहीं करना। मैं थोड़ा सा झगड़ता था, तो गाना अच्छा हो गया तो क्यों दोबारा गवा रहा है, ऐसा करके मैं झगड़ता था माइक पे। तो हम लोगों का झगड़ना रोज का था वो, फिर बाद में गले मिलना। तो मैंने बोला कि डोंट वरी यार दादा, आप चिंता मत करो, आप जस्ट मेरे को ले चलो मैं स्टूडियो में, तुम डोंट वरी यार, जितने बार बोलेगा। बोले देख सुभाष जी का स्टाइल है एक, क्या स्टाइल है, पहले तेरा गाना रिकॉर्ड करेगा। बोला हाँ। बोले उसके बाद वो घर पर जाके सुनेगा, उसको सुनने के बाद उसको अगर लगा कि बेटरमेंट करना है तो दोबारा तेरे को गाना पड़ेगा। बोला ओके, और एक ही पेमेंट में दो बार गाना पड़ेगा। बोला हाँ दो बार नहीं, अभी तो आ रहा है। बोले जब शूटिंग होगा, शूटिंग करते करते उसको अगर कुछ लगा तो उस गाने को थर्ड टाइम तेरे को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हम लोग वही एक ही पेमेंट में। बोले हाँ एक ही पेमेंट में, तो तीन बार तेरे को मिनिमम गाना पड़ेगा। तो हम बोला ठीक है कोई बात नहीं, अगर गाना पड़ेगा आप लोग, बोले प्लीज़ यार टाइगर तू समझा कर, ये इतना बड़ा मूवी हम लोगों के हाथ से निकल जाएगा, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। तो उन्होंने मेरे को लेके गया स्टूडियो में, और सुभाष जी बैठे हुए थे, सुभाष जी को मैं पैर वैर छुआ तो माइक पे गया। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने इस गाने को 20 मिनट्स में गाया, 20 मिनट में इस गाने को गाया, और गाने के बाद मैं जब अंदर आया, सुभाष जी मेरे को सीने से लगाया और बोलता कि मेरे को जो चाहिए था वो सारा कुछ मेरे को मिल गया इस गाने में। नदीम ऐसा बैठे वो ढोलक बजा के म्यूजिक करता था, श्रवण जी हारमोनियम बजाते थे। तो नदीम का एक टैलेंट ऐसा था कि वो 10-10 मिनट में एक एक मुखड़ा, अलग अलग मुखड़ा प्रोड्यूसर को सुना देते थे। तो प्रोड्यूसर वहाँ से ना करके जा नहीं सकते थे, मतलब ये सुनाया पसंद नहीं आया, अच्छे दूसरा सुनिए, दूसरा सुनाया पसंद नहीं आया, ठीक है तीसरा सुनिए, मतलब इतना टैलेंटेड था उस आदमी। तो मेरे ख्याल में हमारी इंडस्ट्री में तीन बड़े नुकसान हुआ जो मैं कहना चाहूँगा। एक पहला तो गुलशन जी का मौत, एंड सेकेंडरी जो है वो नदीम सेवन का, नदीम का चले जाना यहाँ से, एंड तीसरा पंचमदा का डेट। पंचमदा 1942 लव स्टोरी का जब गाना बनाया, उसके बाद जब उनका डेट हो गया, वो देख नहीं पाया कि कैसा। पंचमदा अगर जिंदा होते तो आई थिंक आज म्यूज़िक का हालत ऐसा नहीं होता। जिस दौर से हम लोग गुजर रहे, म्यूज़िक के नाम से जो चल रहा है अभी, वल्गरिटी एंड वन ट्रैक, सेक्स एंड वायलेंस, दीज आर ऑल द थिंग्स आर गोइंग ऑन, ओनली वन ट्रैक, चाहे वो ऐड हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे म्यूजिक हो, आई थिंक के क्रिएटिविटी आज कुछ भी नहीं है। आज है अगर वो एडप्शन है, गाने को एडप्ट किया जा रहा है वेस्टर्न कंट्री से, गाने बनाए जा रहे हैं, एंड वर्डिंग का तो कोई माँ बाप नहीं है, आप तो आपके सामने ही हैं। तो आई थिंक कि ये बहुत बड़ा नुकसान हमारे इंडस्ट्री के लिए हुआ था, जिसके वजह से आज हमारे म्यूज़िक इंडस्ट्री का ये हालत है।